हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं नो नेम ओनली। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं पोस्ट एचएससी डिप्लोमा की डेट फिर से एक्सटेंड हो चुकी है। ओके, तो इसके अंदर डी फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, सरफेस कोटिंग टेक्नोलॉजी डिप्लोमा जो 12th के बाद आप कर सकते हैं, इसका अगर आपने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। और आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यही है कि सर हमें कॉलेज कब सेलेक्ट करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैसे ही डेट एक्सटेंड होती रह रही है इस वजह से आपको कॉलेज सेलेक्ट का ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये डेट आखिर कब तक एक्सटेंड होंगी इसका जो आंसर है, तो फ्रेंड्स ये जो MHT CET की एग्ज़ाम है, मतलब जो स्टूडेंट बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी या इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके अभी डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं अभी तक ऑफिशियली। तो इस वजह से इसकी भी डेट एक्सटेंड हो रही है। जैसे ही उसकी डेट अनाउंस हो जाएंगी फाइनली, उसके बाद इसकी डेट एक्सटेंड होना वो बंद हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक 12th के बाद का जो है, तो इसकी भी लास्ट डेट 6 सितंबर है। ये फिर से एक्सटेंड हो सकती है। यहाँ पर अभी स्टार दिया गया है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर ये जो है तो ये 7 सितंबर तक है पॉलिटेक्निक 10th के बाद की, और जो है तो डायरेक्ट सेकेंडरी मतलब पोस्ट HSC डिप्लोमा की भी 7 सितंबर तक है। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट एक्सटेंशन होगा, और इससे इसके बाद अगर एक हुआ तो एक एक्सटेंड आपको देखने को मिल सकता है। ओके, उसके बाद फाइनली डेट कंफर्म हो जाएंगी कि आपको कॉलेजेस के नेम कब सेलेक्ट करना है, आपकी मेरिट लिस्ट कब आएंगी। ये पूरी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसी चैनल के ऊपर देता रहूँगा, और बहुत जल्द एक सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगा इस चैनल के ऊपर। जितने भी सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उनकी पूरी जानकारी, गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑलरेडी दे दी है मैंने जानकारी, तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स।